हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ब्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे मेरा बलम थानेदार की, जिसमें हम देखते हैं कि दृष्टि जो है वो बुलबुल पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है रिश्ते की बात को लेके। और बुलबुल उनको कहती हैं कि अपने परिवार के लिए उन्हें जो भी करना पड़ेगा वो करेंगी। तो चलें इस पे बात करते हैं। जो जी है रिश्ते की शादी की बात चल रही है, भाई लोग तो बड़े खुश हैं रिश्ते के वो रिश्ते को लेके, लेकिन रिश्ते खुश नहीं है और वो बुलबुल पे इतना गुस्सा करती हैं। तो आप क्या कहोगे उस पे? दृष्टि खुश भी नहीं होगी, कभी भी खुश नहीं होगी, क्योंकि शी ऑलवेज वांटेड टू मैरी वीर। दे वर सपोज टू गेट मैरिड और ये उनकी खुद की गलती है जिसकी वजह से वीर और बुलबुल की शादी हो गई। एंड नाउ पूरी जी जान लगा रही है अपनी खुद की सगी बहन के घर को तोड़ने में, वीर को हासिल करने में। तो दृष्टि, यस, उसके लिए रिश्ता आया है। एंड दृष्टि जान जाती है कि ये बुलबुल ने किया है। सो इट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि बुलबुल को पता है, शी इज वेल अवेयर कि दृष्टि अभी भी वीर के पीछे लगी हुई है, उसको हासिल करना चाहती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसका जो डायलॉग है लास्ट में, वो उसी चीज को माइंड में रख के उसने कहा है कि अपने परिवार और प्यार को बचाने के लिए मुझसे जो भी होगा मैं करूंगी। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शी इज डूइंग इन द लास्ट नाइट्स एपिसोड आल्सो। वो एक डेट पे जाने वाले थे वीर एंड बुलबुल, वहां पे दृष्टि आके उन्होंने एक अलग ही ड्रामा क्रिएट किया, चक्कर का कि गिर गई एंड ऑल दैट। एंड बुलबुल अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट हर सिस्टर वॉज ट्राइंग टू डू, एंड शी हैज नो अदर ऑप्शन बट टू डू समथिंग लाइक दिस। क्योंकि अगर बाई चांस अगर कोई दृष्टि को जाके क्वेश्चन भी करता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तो वो बोलेगी अरे गलती से हो गया, ये है वो है, मतलब उसके पास हमेशा कोई आंसर रेडी रहता है। सो दे वॉन्ट अ गुड सोल्यूशन, दे वॉन्ट समथिंग दैट विल नॉट हैम्पर बुलबुल्स मैरिड लाइफ, एंड दिस इज द बेस्ट ऑप्शन कि उसकी शादी करा दो। सो दैट इज वॉट इज वी आर सीइंग इन द प्री कैप। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि बुलबुल की सास भी दृष्टि के लिए एक प्रपोजल लेके गई है। तो अभी दृष्टि के पास टू ऑप्शंस है, वो या तो मूव ऑन कर सकती है विथ अ नाइस गाय, या फिर अगर उसको वाकई में इतना ज्यादा ये है कि नहीं मुझे वीर को ही हासिल करना है और उसके लिए मुझे अगर विशेष से भी शादी करनी पड़े तो मैं करूंगी, और फिर वैसा एक ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो अलग वी कैन सी, हम वो भी देख पाएंगे। तो टू ऑप्शंस दृष्टि हैज राइट नाउ, एंड देयर आर टू पॉसिबिलिटीज द वे द शो कैन गो। बट जहां तक मेरी नॉलेज है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है इंडियन शोज की, मुझे लगता है कि दृष्टि विशेष का जो प्रपोजल है वो ही एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि वरना ड्रामा कैसे आएगा, यू नो, दोनों, यस। और बुलबुल को भी, बुलबुल के घर को तोड़ना है, उनके रिश्ते को तोड़ना है। तो लेट्स सी कि आगे क्या होगा, कैसे जाएगा ये ट्रैक। वैसे तो बुलबुल का वो भी है कि जब तक वो 18 नहीं हो जाती, शी कांट अपनी खुद की मैरिड लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकती, शी कांट हैव एनी टाइप ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप विद वीर, क्योंकि उसके दिल में वो भी एक डर बैठ गया है कि नाबालिग है तो पति और पूरे परिवार को पॉक्सो के एक्ट में अंदर किया जाएगा, दे विल हैव टू फेस लीगल रिपरकशंस फॉर मैरिंग अ यंग गर्ल। तो शी इज फाइटिंग ऑन ऑल साइड्स एक्चुअली, अपनी खुद की बहन से लड़ रही है, अपनी खुद की फीलिंग से लड़ रही है, जो लीगल एक झंझट है उससे भी लड़ रही है शी। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि कैसे जा रहा है, मजा तो आ रहा है, बट लेट्स सी। जी, तो देखते हैं आगे क्या होता है और किस तरह से ये, जो जिस तरह से कहे कि दृष्टि के रिश्ते की बात है वीर के बड़े भाई के लेके, तो देखते हैं किस तरह से स्टोरी आगे जाती है और किस तरह से बुलबुल अपने रिश्ते को बचा पाती है। तो देखने में तो इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको हमारा छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें मेरा बलम थानेदार ऑन कलर्स टीवी। टेक केयर, बाय बाय। हाय, दिस इज आयुषी खुराना एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए।